भैया ऑटो खाली है? हाँ साहब खाली है, बैठिए। बोलिए साहब कहाँ जाएंगे? सुन, वो सामने लाल कपड़े में जो मैडम खड़ी है ना, हाँ उसका पीछा करना है। ठीक है साहब। एक बात पूछे साहब? बोलो। ये मैडम का आपका बीवी है का? नहीं। तो फिर बहन होगा? अबे नहीं। तो फिर गर्लफ्रेंड होगा? एक फ्री का एडवाइस दे साहब। बोलो। ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर बहुत बेकार है साहब, इनके पचोड़ों में तो ना पड़ो तो ही अच्छा है। इससे तो अच्छा है आप मैरी क्रिसमस बोलकर घर जाकर आराम करो। और हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, 30 साल का हमको पूरा एक्सपीरियंस है साहब। ए भाई तू अपना काम कर, और तेरे ऑटो को रेंगते ही आता है कि दौड़ता भी है? अरे साहब कैसी बातें कर रहे साहब, ऐसा मत बोलो, हमारे राम दुलारी को बुरा लग जाएगा साहब। अब ये राम दुलारी कौन है? हमारा ऑटो, हम इसको बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए प्यार से राम दुलारी बुलाते हैं। तो तेरे राम दुलारी को बोल तेज भागने, और तेरे राम दुलारी को तेज भागने नहीं आता है क्या? अरे साहब ऐसी क्या बात कर रहे हैं साहब, अरे साहब राम दुलारी का जो स्पीड है ना, वो तो शोले के धनों से भी तेज है। एक समय की बात बताते हैं, एक बार दो दो गैंग वाले राम दुलारी के पीछे लगे थे, एक दूल्हा वाली गैंग और एक दुल्हन वाली गैंग, और आपकी जगह पर दूल्हा दुल्हन के साथ रजिस्ट्रार भी बैठे थे। तब क्या बताएं, हमारी राम दुलारी जो दौड़ी है दूल्हा दुल्हन की गैंग की 4x4 को भी पीछे दौड़ा कर निकल ली। हमारी राम दुलारी के कारण ही दूल्हा दुल्हन की शादी हुई थी, लेकिन अब उन लोगों का भी तलाक हो चुका है। पर हमको तो लगता है कि हमारी राम दुलारी का नाम एक दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जमा होगा। तो मेरे बाप तेरी राम दुलारी को बोल कि अभी भी तेज चले, और हाँ मुझे पकाना बंद कर। ठीक है साहब।